वेलकम बैक टू माय चैनल रोहन विल ट्रैवल। मेरा नाम रोहन सेजल उपाध्याय है। नर्मदे हर लास्ट वीडियो यानी कि नर्मदा परिक्रमा के एपिसोड 18 में मैं मांडलेश्वर से काटकोट पहुंचा था। वैसे तो मैं महेश्वर से नेमावर तक जाने वाला था, पर वीडियो काफ़ी लंबा था इसलिए मैंने इसको दो भाग में डिवाइड किया है। तो आज के इस वीडियो यानी कि नर्मदा परिक्रमा के एपिसोड 19 में मैं आपको काटकोट से नेमावर तक पहुँचूंगा, उसके बारे में मैं दिखाऊंगा। एकमात्र असंभव यात्रा वह है जिसे आप कभी शुरू नहीं करते हैं। तो अभी मैं काटकोट में, एक्चुअली क्या हुआ कि अगर मैं नेमावर की सीधी लोकेशन डालता ना वहाँ से तो क्या होता कि मुझे नर्मदा नदी क्रॉस करनी पड़ती, इसलिए मैंने काटकोट की लोकेशन डाली। अभी काटकोट से मैं नेमावर जाऊँगा, क्या होगा कि नर्मदा नदी भी क्रॉस होगी और मैं नेमावर पहुँच जाऊँगा। तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, मतलब हद से ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। तो अभी आ गया ना कहीं पे जो पुराना पानी है वो ऐसे कहीं पे झाड़ में डाल देंगे और नया ठंडा पानी भरेंगे, क्योंकि मेरे पास जो पानी था वो कल का था और वो गर्म हो गया था। तो भी मैंने अपने बॉटल्स में डाल देते, बाद में आगे पे कहीं पे भर देंगे। तो आप भी आगे पे देखेंगे, ठंडा पानी मिलेगा तो भर देंगे। तो यहाँ पे काफ़ी आराम कर लिया, अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो अभी निकलेंगे सफ़र की ओर। चलो सब ओके। हाँ चलो, काटकोट से निकल चुके हैं हम नेमावर के लिए, जिसकी दूरी करीबन 121 किलोमीटर है। 2 आवर 46 मिनट लगेंगे, मतलब मैं 6 बजे पहुंचूंगा शायद, या लेट भी पता नहीं। तो क्या ना कि ट्री इतना मस्त दिख रहा है कि इसमें फोटोग्राफी करने में बड़ा मज़ा आता है, और धूप भी बहुत तेज है। मेरा भाई फ़ोन कह रहा है कि हम आपका फ़ोन चार्ज नहीं करेंगे क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई है। देखा और ये जो रोड है, इस रोड का नाम है दतोड़ा कन्नड़ रोड। थ्री किलोमीटर देवास, 106 किलोमीटर उदयनगर, 13 किलोमीटर बागली, 56 किलोमीटर कन्नौद, 113 किलोमीटर नेमावर, 148 किलोमीटर। और ये दतोड़ कन्नड़ रोड है। और अभी कहीं पे नाश्ता वास्ता करने के लिए रुकेंगे, क्योंकि कब का चला रहा हूँ मैं और टाइम भी बहुत है पहुँचने के लिए। अभी बजे करीबन 3, अभी करीबन 3 बजे, 2.5 आवर लगेंगे पहुँचने में। तो इसकी वजह से सोच रहे कि कुछ खाना वाना खा ले, चाय वाय पी ले, कुछ ठंडा पी ले, नहीं तो। पर काफ़ी खूबसूरत जगह है उदयनगर। उदयनगर में भी खाने पीने का दिख ही जाएगा, पेट्रोल पंप भी है। काफी ज्यादा खाने पीने का है यहाँ पे। तो उदयनगर में आपको खाने पीने का ये सब दिख जाएगा, पेट्रोल पंप, बैंक, जरूरत की सारी चीजें मिल जाएगी। तो बस थोड़ी दूर यार, इतना मस्त नज़ारा दिखा। तो मैं क्या मानता हूँ ना कि अगर आप कोई भी जगह पे लाइक घूमने आ रहे हो ना, तो उसे आराम से घूमो, उस जगह पे खड़े रहो। जैसे कि अभी मुझे नेमावर जाना है ना, तो ऐसा नहीं है कि भाई मैं चला चला करके सीधा नेमावर पहुँच जाऊँगा। मुझे जहाँ नज़ारे दिखते हैं मैं वहाँ पर रुकता हूँ, अच्छे खासे फोटोग्राफी करता हूँ, फिर बाद में वापस आगे बढ़ता हूँ। मतलब रोड्स देखो यार कितने मस्त है, यहाँ पे अपना एक्टिवा, सामने ट्रीज, यहाँ पे भी ट्रीज। मुझे यहाँ पे बीच में खड़ी करनी है, मस्त फोटो आएगा, पर नहीं कर सकते, ये यहाँ पे व्हीकल्स आ जा रहे हैं इसलिए। तो बहुत सही नज़ारा है। तो अच्छा है, चलो यहाँ पे रुकना भी हो गया, यहाँ पे रुकना भी हो गया। मैं गोप्रो की बैटरी भी चेंज हो गई, ख़त्म ही हो गई थी। ये देखो कितना मस्त नज़ारा है यार।
पड़े देखो, जंगल ही जंगल है। और ये कौन से, अरे अरे ठहरिए, अच्छा ठहरिए, मुझे लगा कौन सी जगह का नाम है, रुकने के लिए कहा है। ओके तो यह कुछ लिखा है, चापड़ा 42 किलोमीटर, देवास 92 किलोमीटर, पिपेर 13 किलोमीटर राइट, रतनपुर 23 किलोमीटर राइट, बागली 35 किलोमीटर सीधा, इंदौर 92 किलोमीटर सीधा। तो ये रोड का नाम है देवास उदयनगर रोड। मैं रुकना नहीं चाहता पर यहाँ के नज़ारे इतने खूबसूरत होते हैं कि मैं रुकने के लिए मजबूर हो जाता हूँ। और देखो से वहाँ पे पहाड़ है, यहाँ पे खेत है, इतना खूबसूरत नज़ारा है। और यहाँ पे अपना एक्टिवा, इस खूबसूरत को नज़ारे को कहते हुए बाय, और आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। आगे तो और नज़ारे देखने मिलेंगे। तो अभी हमें देवास में, और देवास में भी मतलब हीरो और टीवीएस के शोरूम्स थे, और बाकी सारी तो वहाँ पे बहुत सारी सुविधा है खाने पीने के सब कुछ। मुझे भी भूख लगी है अभी। और ये अभी उदयनगर रोड है भाई, कुछ भी कह दो यार, नज़ारे इतने खूबसूरत है। क्या चला रहा हूँ ना, ये देखो यार, like a bird on a tree, I'm just sitting here, I got time, it's clear to see from up here. और यहाँ पे रोड जो है वो काफी मस्त है। We can sit together, it's so beautiful, you and me. सभी जगह पेट्रोल खत्म हुआ है, उस यहाँ पे इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप दिख रहा है मुझे, इंडियन ऑयल है या एचपी है पता नहीं, तो सोचा यार मुझे पेट्रोल रिफिल कर ही देते हैं। फुल तो चलो, 270 का पेट्रोल रिफिल कर दिया, अब कोई दिक्कत नहीं है। 270 में कितना आया था, 2.44 आया है। और अभी भी करीबन 1.5 आवर का रास्ता है, गुरु गोविंद पावन नगरी कांटा फोर्ड में आपका हार्दिक स्वागत है। कांटा फोर्ड बहुत बड़ा मार्केट है। मुझे एक्चुअली उस वक्त गोप्रो ऑन नहीं था, पर ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी जगह है और बहुत बड़ा मार्केट है ये, देखो तो सही। अभी आपको सब मिल जाएगा खाने पे, बस थोड़ा खाने पीने का ढूंढ रहा हूँ, खाने पीने का मिले तो। मैं जब तक घूमा उससे ज़्यादा बड़ी तो ये जगह थी, इतना इतनी बिजी जगह, मेरे हाथ दर्द हो गए, मतलब एक्सीडेंट दे देते। तो ये बहुत एक्टिव चला लिया था, थक गया था मैं, तो सोचा एक काम करते थोड़ा नाश्ता लेते, तो थोड़ा नाश्ता ले लिया है और यहाँ पर खड़ा रह के थोड़ा नाश्ता कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत थक गया हूँ मैं, कब का चला रहा हूँ। और अभी भी करीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर, मतलब करीबन अभी 1 घंटा और लगेगा पहुँचने में। खाना खा लिया है, अब थोड़ा पेट फुल हुआ, और अभी है करीबन 5:02, पहुँचने में लगेंगे करीबन अभी 6 बज ही जाएंगे। नगर परिषद सतवास जिला देवास आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। सतवा से इस जगह का नाम। तो ये जगह भी बहुत बड़ी है, अरे देखो खाने पीने का, फिर खाने पीने के तो बहुत सारे शॉप्स है, गैरेजेस भी है।
सतकनपुर 103 किलोमीटर, आवली घाट 108 किलोमीटर सीधा, इंदिरा सागर बांध 50 किलोमीटर लेफ्ट, एमपीटी हनुवित्य रिजॉर्ट 99 किलोमीटर राइट राइट। मुझे तो सीधा कंटिन्यू करना है, 48 मिनट की दूरी है, 32 किलोमीटर बाकी रह गए हैं और आगे एक रिवर आ रही है जिसका नाम है दातुनी रिवर। मतलब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो दूर दूर तक खेत ही खेत दिखाई देंगे। तो एक छोटी सी ब्रेक ली है और अभी करीबन 5:40 हो चुके हैं और करीबन कितना अभी भी और 21 किलोमीटर का करीबन आधा घंटा लगेगा। मौसम इतना सही हो रहा है ना, मतलब अभी सिर्फ कितने, अभी तो सिर्फ 5:30 हुए और इतना मस्त मौसम हो गया, एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और ऐसा शायद लग रहा है कि शायद से बारिश गिरे, पता नहीं गिरे ना गिरे, पर बहुत सही मौसम है। आराम कर लिया, अब निकलते हैं। वैसे तो आधे घंटे के अंदर पहुँच जाएगा, मतलब करीबन 6:30 बजे तक तो पहुँच ही जाऊँगा मैं। तो मज़ा आ रहा है रोड पे चलाने के लिए। खाते गाँव, ओके खाते गाँव नाम है। तो खाते गाँव भी अच्छा ही है, खाने पीने के शॉप्स भी है। तो यहाँ से हमको ले लेना है राइट, वहाँ सब है यहाँ पे। खाते गाँव अच्छा, यहाँ पे लेक भी है। अच्छा गूगल मैप नहीं दिखा रहा पर यहाँ पे लेक है। करीबन 2 किलोमीटर की, 2 किलोमीटर पर ही है। माँ नर्मदा नाभि तीर्थ एवं बाबा सिद्धेश्वर की पावन नगरी में आपका हार्दिक स्वागत है, नगर परिषद नीमावर। सो अभी हम लोग नीमावर में एंटर कर रहे हैं। एचपी का पेट्रोल पंप नीमावर में दिख ही गया सबसे पहले। हमें 2 रास्ते जाते हैं तो हमें यार नीचे वाला रास्ता लेना है। 750 मीटर ही है। तो नीमावर में क्या है ना कि एक शंकर भगवान का मंदिर है और एक घाट है, तो वही देखना है और सुबह निकल जाऊंगा। और यहाँ पे स्टे के लिए देखते हैं, और एक होटल तो है वहाँ पे, रूम की प्राइस देख लेंगे कितनी है। तो नीमावर में हम एंटर तो कर ही चुके हैं कब के, होटल गौरी पैलेस। यहाँ पे एक होटल ले लिया, काफ़ी अच्छा होटल है और रूम भी काफ़ी अच्छा था, तो मैंने सोचा चलो ले ही लेते हैं। और अभी आरती भी कर दी है मैंने, मैंने सोचा सबसे पहले आरती करते हैं फिर आपसे मिलता हूँ। तो 7 बज गए थे ना, तो मैंने सबसे पहले आरती भी कर दी, कल करीबन 9:30-10 बज गए थे क्योंकि कल मुझे लेट हो गया था वहाँ पे पहुँचने में। तो अभी तो एकदम आराम से मैंने आरती कर दी। तो अभी तो क्या है ना कि यहाँ पे थोड़ा अंधेरा हो गया, तो घाट तो अच्छे से दिखेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 2 ही चीज़ है, घाट और महादेव मंदिर। तो घाट तो चलो देख ही लेंगे, पर यहाँ पे महादेव मंदिर जो है वहाँ पे 8 बजे आरती होती है और अभी बजे करीबन 7:15। मैं सोचा बाद में महादेव मंदिर की आरती देखने जाएंगे, तो अभी तो मैं महादेव मंदिर में आरती देखने जा रहा हूँ। पर आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो यानी कि नर्मदा परिक्रमा के एपिसोड 20 में मैं आपको नीमावर घाट और सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के बारे में दिखाऊंगा। चलो पे करीब 190 से अधिक वीडियोस बनाए हैं, तो आप मेरे चैनल पे जाके भी देख सकते हो और मैं कुछ प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी रख दूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरी चैनल रोहन विल ट्रैवल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।